बार भारत में आतंकवादियों ने बड़े हमले किए और भारत की पुलिस और खुफिया एजेंसी इन आतंकवादियों को इसलिए नहीं रोक पाती थी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती थी। टीम सेवन में ऐसे माहिर लोग थे जो ऐसे सिचुएशन में देश की मदद करते थे। जब भी पुलिस के पास किसी आतंकवादी या अलगाववादी के बारे में कोई खबर आती तो वो इसके बारे में वंश राठौर को बताते और वंश टीम सेवन को एक्टिवेट कर देते थे। टीम सेवन एक बार में एक ऑपरेशन करती थी और जब ऑपरेशन खत्म हो जाता था तो उसके बाद वो सभी लोग अलग हो जाते थे। देव को जब होश आया तो उसकी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी चमक रही थी। उसने किसी तरह अपनी आंखों को खोला और देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में था जहां सिर्फ एक बल्ब चल रहा था जिसकी रोशनी ठीक उसके ऊपर चमक रही थी। उस कमरे में इतना अंधेरा था कि देव को वहां सिर्फ अपने आसपास का 1 से 2 फुट का एरिया ही दिख रहा था। देव को कुर्सी से बांधा गया था। देव ने पहले की तरह अपने हाथों और पैरों को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से बांधा गया था। देव कुर्सी पर हिल भी नहीं पा रहा था। देव के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी इसलिए वो अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। उसको अब डर लगने लगा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उसे किडनैप किया था। कहीं उसके पिता के कोई पुराने दुश्मन तो नहीं जो उसके पिता का बदला उसे मार कर लेना चाहते हो। अंधेरे में से 2 लोग सामने आए। दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। एक आदमी ने उसके मुंह से पट्टी हटाई और दूसरे ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा नाम देव बर्मन है? देव ने कहा, डर के मारे देव के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। आज उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी मौत पक्की है। उस आदमी ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, जोर से बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? देव ने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि इन लोगों को देव बर्मन की जरूरत है लेकिन शायद ये उसे नहीं जानते इसलिए उससे उसका नाम पूछ रहे हैं। अगर वहां पर झूठ बोल देता है तो शायद उसे वो लोग छोड़ दे। देव ने कहा, कौन देव? मैं तो कपिल हूं। दूसरा आदमी देव के करीब आया और उसने कहा, आखिरी मौका दे रहा हूं, इसके बाद तुम जवाब देने के लायक नहीं बचोगे। देव ने कहा, हाँ मैं देव बर्मन हूं। कौन हो तुम लोग? मुझे यहां क्यों पकड़ के रखा है? क्या चाहिए तुम्हें? दूसरे आदमी ने देव को एक तस्वीर दिखाई और उससे पूछा, इस वक्त ये कहां है? देव ने तस्वीर में दिख रहे इंसान को ध्यान से देखा लेकिन फिर भी वो उस इंसान को पहचान नहीं पाया। देव ने उस आदमी से कहा, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, मुझे इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। उस आदमी ने देव से कहा, अगर आजाद होना है तो इसके बारे में बताओ। जब तक तुम इसके बारे में नहीं बताओगे तुम तब तक बिना पानी और बिना खाने के यहीं रहोगे। देव ने कहा, देखो मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम्हें चाहिए तो मैं अभी इसी वक्त वो पैसे दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे मेरा फोन दे दो तो मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़? दूसरे आदमी ने कहा, पैसे नहीं, हमें ये आदमी चाहिए। जब तक तुम इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताते तुम्हें यही रहना होगा। हम जानते हैं कि तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है और इस कमरे में इतना अंधेरा होने वाला है इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। देव ये सुनकर हैरान था कि उन लोगों को कैसे पता चला कि उसे अंधेरे से डर लगता है। देव को ये फोबिया बचपन से था। बचपन में खेलते वक्त गलती से वो बेसमेंट में बंद हो गया था और तब से उसे अंधेरे से डर लगता था। देव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसे इंसान के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देता। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं इतने अंधेरे में पागल हो जाऊंगा। दूसरा आदमी देव के बार बार मना करने के बाद भी उससे वही सवाल करता रहा और देव उसे मना करता रहा। आखिर में वो दोनों आदमी वहां से चले गए और उनके जाने के बाद उस अंधेरे कमरे में जल रहे एक लौते बल्ब को भी बंद कर दिया। उसी के साथ उस कमरे में अंधेरा हो गया। देव डर के मारे चीखने लगा लेकिन उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। देव यही सोच रहा था कि आखिर उसने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो वो उससे इस तरह बदला ले रहे थे। कमरे के बाहर आकर उन दोनों आदमियों ने अपने मास्क उतारे। उन दोनों में से एक थे हर्षवर्धन और दूसरे थे वंश। वंश ने हर्षवर्धन से कहा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद ये ध्रुव से कुछ कहने की हिम्मत कर पाएगा।
कुछ देर बाद इसे छोड़ देना, वरना हमारे लिए सिचुएशन संभालनी मुश्किल हो जाएगी। उम्मीद है कि आज के बाद देव हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा, हर्षवर्धन ने कहा। ठीक है सर, हम इसे कुछ देर में रिहा कर देंगे। इसे छोड़ने के लिए भी हमने एक अच्छा प्लान बनाया है। पुलकित को अपना कवर बनाने की वजह से अगर ये किसी से जाकर कुछ कहेगा भी तो भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। वंश ने हर्षवर्धन से पूछा, पुलकित के बारे में कोई अपडेट? कहां गायब हो गया वो? उसने किसी को तो फोन किया होगा, हर्षवर्धन ने कहा। हम लोग मुंबई के आसपास के शहर और गांव में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मेरा आइडिया है कि पुलकित मुंबई के पास किसी एरिया में छुपा बैठा है। उसका प्लान अभी भी छुपकर रहने का है, क्योंकि इस हमले के बाद पुलिस हरकत में है और हर तरफ उसे ढूंढा जा रहा है। इतने एक्टिविटी में उसके लिए आराम से घूमना बहुत मुश्किल है। हमने पुलकित के क्लाइंट के बारे में भी पता लगाया है, हो सकता है उन्हें पुलकित के बारे में कुछ पता हो, वंश ने कहा। हमें सतर्क रहना होगा, कोई नहीं जानता कि पुलकित कब और कैसे अटैक करेगा। हर बार वो नया तरीका अपनाएगा और इस बार ध्रुव को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। तुम अपना सर्च जारी रखो और तब तक मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस के लिए कोशिश करता हूं। एक बार हमें क्लियरेंस मिल गई तो उसके बाद स्पेशल फोर्स खुद आकर पुलकित को गिरफ्तार कर पाएगी। बिना स्पेशल फोर्सेस के हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वही है जो पुलकित को डिटेन कर सकते हैं और उससे जरूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। उसके अलावा देश में ऐसा कोई नहीं जो उसे डरा सके, हर्षवर्धन ने कहा। ठीक है सर, मुझे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम उसे पुलिस को रेगुलरली भेज रहे हैं और हमारी मदद की वजह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो रही है, वंश ने हर्षवर्धन से पूछा। उस लड़के का क्या हुआ जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था? उसे छोड़ा गया है या नहीं? हर्षवर्धन ने कहा। फिलहाल तो नहीं सर, पुलिस उसे बलि का बकरा बना रही है। उनके पास उस लड़के के अलावा और कोई लीड नहीं है, इसलिए उसे रिलीज नहीं किया जा रहा। उस लड़के के लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि उसे बेल मिल सके। मुंबई हाईकोर्ट ने भी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, वंश ने कहा। उस लड़के पर भी नजर रखना, हो सकता है कि वो ध्रुव के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे। खैर मैं चलता हूं, तुम देव को रिलीज करने के बाद ऑफिस पहुंच जाना। इतना कहकर वंश वहां से चले गए और हर्षवर्धन देव को रिलीज करने की तैयारियों में लग गए। इस बात से बिल्कुल अनजान ध्रुव कॉलेज में ही था। उसने सोचा था कि कॉलेज के बीच में किसी भी फ्री क्लास में वो ऑफिस जाकर अपना काम संभाल लेगा, लेकिन कॉलेज में इतना काम था कि पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। ध्रुव ने क्लास तो अटेंड कर ली थी, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं थे। लाइब्रेरी में उसे कुछ किताबों की भी जरूरत थी ताकि एग्जाम के लिए अपनी पूरी तैयारी कर सके। कॉलेज खत्म होने वाला था, इसलिए ध्रुव ने सोचा कि शिवानी को फोन करके बता दिया जाए कि वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। ध्रुव ने शिवानी को कॉल किया और उसने कहा, आज मुझे ज्यादा काम है, इसलिए आप लोग ऑफिस में अपना पहले का काम कंटिन्यू कीजिए, मैं कल आऊंगा। शिवानी ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग को पता था कि फिलहाल तुम्हारे लिए ऑफिस आना काफी मुश्किल रहेगा। तुम हमें फोन पर काम बताते रहना और मैं टीम में सभी मेंबर्स को उनके काम बांट दिया करूंगी। वीकेंड पर एक फाइनल मीटिंग लेकर हम लोग तुम्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दिया करेंगे। जब तक तुम्हारे एग्जाम है तुम्हें अपना ज्यादातर समय पढ़ाई के लिए लगाना चाहिए। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें आने की जरूरत है। जहां तक सोलर प्लांट को देखने की बात है तो उसमें अभी समय है, प्लांट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें काफी समय लग रहा है। कुछ कंपोनेंट्स में खराबी आने की वजह से सोलर प्लांट को पूरी तरह से ऑपरेट होने में थोड़ा समय और लग जाएगा, पर कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अगर कोई काम है तो तुम मुझे बता सकते हो, ध्रुव ने कहा। मैं काफी समय से सोच रहा था कि हीरा चंदानी ग्रुप में मुझे एक भी टेक्सटाइल या लाइफस्टाइल ब्रांड नहीं मिली। हमारे देश में कपड़ों का भी काफी बड़ा बाजार है और अगर हम स्मार्टली काम करें तो हमें इस सेक्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। हमारे जैसे दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ब्रांड में बहुत गलतियां हैं। मैंने कई स्टार्टअप्स के बारे में पता किया है जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बस हमें इस सेक्टर में ठीक तरह से रिसर्च करनी होगी। टीम के किसी भी मेंबर को इस सेक्टर में रिसर्च करने के लिए लगा दो। जब तक रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो हम मीटिंग में आकर आगे के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मैं डिफेंस के बारे में भी सोच रहा हूँ। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें अच्छे इन्वेस्टर्स की जरूरत है,
सरकार प्राइवेट कंपनियों को हथियार और जरूरी इक्विपमेंट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। हमें ऐसी कंपनियों में भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फिलहाल हमें ये जानना होगा कि इन दोनों सेक्टर में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनकी मदद हम कर सकते हैं और बाद में उन्हें खरीद सकते हैं। इसके लिए रिसर्च लगेगी और साथ ही साथ में हमें इन कंपनियों के मालिक से भी बात करनी पड़ेगी। एक बार हमारी रिसर्च हो जाए उसके बाद हम इन सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर देंगे, शिवानी ने कहा। ठीक है ध्रुव, मैं अभी किसी टीम मेंबर्स को इस काम पर लगा देती हूँ ताकि वो इन दोनों सेक्टर के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सके और हमारी मीटिंग तक हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट तैयार हो जाए। इतना कहकर शिवानी ने फोन रख दिया और ध्रुव सोचने लगा कि काश वो फ्री होता तो खुद इस बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाता। ध्रुव का प्लान हीराचंदानी ग्रुप को और एक्सपैंड करने का था। उसका इरादा ऐसी कंपनियों को खरीदने का था जिससे हीराचंदानी ग्रुप हर सेक्टर में अपना दबदबा कायम कर ले। हीराचंदानी ग्रुप को और बड़ा बनाने के लिए उसका दूसरे सेक्टर्स में होना इम्पोर्टेंट था, तभी उसे प्रॉफिट हो सकता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री थी क्योंकि भारत में बड़ी मात्रा में कॉटन का उत्पादन होता था। दुनिया भर के ब्रांड्स भारत से सस्ता कॉटन खरीदते थे और उसे अपने कपड़ों को बनाकर उसे भारतीयों को ऊंचे दाम में बेचा करते थे। उन्हें इससे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। एक समय था जब कॉटन की कुछ किस्में सिर्फ भारत में ही उगती थी, लेकिन अब तक कुछ विदेशी कंपनियों ने कॉटन की फसल की नई प्रजातियां विकसित कर ली थी जिन्हें वो अपने देश में उगाते थे और उनसे ही अपने कपड़ों को बनाते थे। क्या वंश राठौर की टीम पुलकित का पता लगा पाएगी? क्या ध्रुव जो सोच रहा है वो सब कुछ कर पाएगा? हर्षवर्धन की कैद से छूटने के बाद देव पर इसका क्या असर पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द लीडर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।